पिछली चार पीढ़ियों से ग्राहकों को शानदार गहनों की पेशकश करने वाले शहर के प्रतिष्ठित रोकड़े ज्वेलर्स की पांचवी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे पारस रोकड़े की संकल्पना पर नए फैशनेबल एवं किफायती ज्वेलरी ब्रांड रेयन इन एवरीवे इनकी लॉन्चिंग शुक्रवार को 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे होनी जा रही है। इस दौरान अभिनेत्री युविका चौधरी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। रोकड़े ज्वेलर्स की लक्ष्मी नगर ब्रांच में होने वाली रेयर की लॉन्चिंग के बारे में हुई पत्र परिषद में रोकड़े ज्वेलर्स के संचालक राजेश रोकड़े एवं सारंग रोकड़े ने बताया कि रेयर ज्वेलरी ब्रांड 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं के लिए है। इससे रोकड़े ज्वेलर्स की ग्राहक संख्या और अधिक बढ़ेगी। संचालक पारस रोकड़े ने कहा कि रेयर ज्वेलरी ब्रांड के तहत मॉडर्न लाइटवेट फैशनेबल ज्वेलरी किफायती दर यानी 900 रुपए से उपलब्ध होगी। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और प्लैटिनियम में रेयर ज्वेलरी मुहैया कराई जाएगी। ग्राहकों को कस्टमाइज रेयर ज्वेलरी भी बनाकर दी जाएगी। रेयर ज्वेलरी को ऑफिस और फेस्टिवल पार्टी में पहना जा सकेगा। यह ऑनलाइन उपलब्ध होगी और रेयर का स्वतंत्र आउटलेट निकट भविष्य में खुलेगा। यह ज्वेलरी उपहार में देने के लिए सटीक विकल्प है। रोकड़े ज्वेलर्स विदर्भ में पहला ऐसा प्रतिष्ठान है जिसने युवाओं के लिए रेयर के रूप में एक नया ज्वेलरी विकल्प दिया है। संचालक सारंग रोकड़े ने कहा कि रेयर यह नया ब्रांड युवा पीढ़ी की सोच को दर्शाता है। संचालक राजेश रोकड़े ने कहा कि रोकड़े ज्वेलर्स की वर्तमान में महाल लक्ष्मी नगर इतवारी एयरपोर्ट पर कुल 4 शाखा है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि विपदा जो आपदा है उसको अपनी ताकत बनाई, तो हम लोग ने ही नागपुर में जब रोकड़े ज्वेलर्स एक नॉर्मल स्वर्ण काम हुआ करता था, कारागिरी से काम करता था, तो 1 अक्टूबर 2000 उस दिन से इसकी बिजनेस स्टार्ट की। एक शो बिजनेस के तहत लोगों को बताने के लिए मार्केटिंग करते हुए कि हमारे पास भी वो सब चीज है जो किसी एक कॉरपोरेट के पास है। तो ये कॉरपोरेट के साथ साथ एक फैमिली ज्वेलर्स कॉरपोरेट के तरीके से कैसे काम करे, यही उसका एक मुख्य उद्देश्य था। नॉर्मली कॉरपोरेट केवल दिमाग से काम करते हैं, लेकिन एक फैमिली ज्वेलर दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये एक फैमिली ज्वेलर की ताकत बनती है जिससे कि वोकल फॉर लोकल इसमें और एडॉप्ट करता है। इसके वजह से नागपुर और नागपुर के आजूबाजू पूरे विदर्भ में जिस तरीके से सभी ने सपोर्ट किया उसका जितनी तारीफ करूँ जितना धन्यवाद करूँ उतना कम। अगले 2 माह में कोराड़ी में 1 और नागपुर में 1 सहित 2 नई शाखाएं शुरू की जाएगी। अगले 3 से 4 सालों में रोकड़े ज्वेलर्स का नाम भारत के अग्रणी 10 ज्वेलर्स में शामिल करने की कोशिश जारी है। अगले 2 से 3 सालों में देश के अन्य शहरों में भी रोकड़े ज्वेलर्स की शाखाएं खोलने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। रोकड़े ज्वेलर्स ने शहर सहित विदर्भ के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों पर भी सोना चांदी का वर्क किया है। पत्र परिषद में वरिष्ठ संचालक भैयाजी रोकड़े, वंदना रोकड़े, अनामिका रोकड़े एवं संस्कृति रोकड़े प्रमुखता से उपस्थित थे। रेयर प्रोसेस क्या है, उसके पीछे एक प्रॉपर डिजाइनिंग टीम काम करती है, कारागिर लोग काम करते हैं, उसकी क्यूसी होती है, फिर काउंटर तक आती है। यूजुअली जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड रियलिटी बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि क्या चीज कहाँ मिलनी है, तो यूजुअली नागपुर में या तो मैं सेंट्रल इंडिया में कहूँ तो रेयर एक ऐसा ब्रांड है जो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड इवन प्लैटिनम लाइट वेटेड ज्वेलरी को केटर करेगा। प्लैटिनम की लाइट वेटेड ज्वेलरी यूजुअली सेंट्रल इंडिया में कोई केटर नहीं कर रहा है, सो प्लैटिनम एक एडिशनल फैक्टर, एक यूएसपी बन रहा है रेयर को लेके। अब इसके पीछे जो टैगलाइन है रेयर इन एवरीवे, अब रेयर की जो टैगलाइन है एंड रोकड़े ज्वेलर्स की जो टैगलाइन है वो अगर साथ में मिला है, रोकड़े ज्वेलर्स की है प्योरली योर्स एंड रेयर की है इन एवरी वे, सो एक सेंटेंस बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है प्योरली योर्स इन एवरी वे। सो ये आइडियोलॉजी थी एक टैगलाइन के पीछे। इसके पीछे हमने डिजाइनिंग पे ऐसे काम किया है जहां आप कंज्यूमर को हम डायरेक्ट अटैक कर सकें। जो टारगेट ऑडियंस है वो एक 10-12 साल की बच्ची से लेकर फिर भी नहीं तो 38-40 ईयर्स की वुमेन तक है, क्योंकि यूजुअली जो जेंसीज और ये जो ब्रांड है मिलेनियल्स, ये जेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 2000 के बाद जो भी बॉर्न हुए हैं उनके लिए है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।